नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 21 जनवरी दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो में आयकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार, आज की तिथि तृतीया, आज का नक्षत्र मघा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:50 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 9:21 से सुबह 10:03 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है हल्का मेहरून, पर्पल और नारंगी। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक्य ज्ञान के बारे में। भारत के मान अर्थशास्त्री व राजनीतिक मानने वाले आचार्य चाणक्य ने अनमोल खजाने के रूप में चाणक्य नीति जैसी किताब दी, जिसमें राजकाज से लेकर जीवन के हर पहलू से जुड़ी सैकड़ों नीतियां उन्होंने बताई। वहीं चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में पूर्व जन्म के कर्म और उसके फल को लेकर भी दूसरे अध्याय के एक श्लोक का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब नीति शास्त्र के दूसरे अध्याय के श्लोक में कहा है कि इंसान को 5 चीजें पिछले जन्म के पुण्यों के आधार पर मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान उन्होंने भोजन को दिया है। चाणक्य कहते हैं कि वे लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अच्छा खाना मिल पाता है, यानी जो खाने की आपकी इच्छा हो और वो मिल जाए तो उससे बड़ा सुख आपके लिए क्या होगा। साथ ही साथ आपको बताएं चाणक्य ये भी कहते हैं कि उत्तम खाना मिल जाना ही सुख नहीं है, बल्कि भोजन को अच्छे से पचा पाने की शक्ति का होना भी जरूरी होता है और जिसकी क्षमता सभी में नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि भोजन को पचा पाने की शक्ति उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने आगे इस श्लोक के माध्यम से सुंदर और गुणवान महिला का भी वर्णन किया है। चाणक्य श्लोक में कहते हैं कि किस्मत वालों को सर्वगुण संपन्न और समझदार पत्नी मिलती है। वर्तमान संदर्भ में गुणवान पत्नी का मिलना पुण्य के फल से कम नहीं होता है। अपने जीवन साथी का आदर करने वाले व्यक्ति को ही ऐसी पत्नी मिलती है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति काम के बस में नहीं होना चाहिए, काम के बस में रहने वाले शख्स का जल्दी विनाश हो जाता है। धन के सही इस्तेमाल की जानकारी का होना भी खुशहाल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनवान होने से ज्यादा जरूरी धन के इस्तेमाल की जानकारी होना होता है। यह गुण भी कर्म के पुण्यों से ही प्राप्त होता है। दान देने वाला स्वभाव भी बेहद कम लोगों के पास होता है और यह भी किसी पुण्य के फल से कम नहीं होता, क्योंकि धरती पर धनवान लोगों की कमी नहीं है, फिर भी घमंड भरा होने के बाद भी व्यक्ति दान के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। वहीं गरीब व्यक्ति भी अपने गुजारे के धन में से जरूरतमंद को मदद कर देता है। चाणक्य के मुताबिक ये गुण भी पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशि फल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपका आकर्षक प्रताप दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव ना करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में भी दूरी पैदा कर सकता है। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद आ सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं, आज फायदा हो सकता है। वह शर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास खाली वक्त तो होगा लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था।
वैवाहिक जीवन में निजातक का ध्यान रखना भी आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन आज के दिन आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आपको कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है। आज आप शाम को बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए बाहर निकल सकते हैं। आप कामकाज में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। किसी नए काम को शुरुआत करने से परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रह सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन हो सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको बताएं, बिजनेस टिप्स के लिए आपको अपने बड़ों से आज बात करने से उनके पास आपके लिए कुछ ना कुछ उपयोगी जरूर जानकारी होगी। शुक्र के आपको भाग्यशाली ऊर्जा भेजने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी और स्थिरीय बनी रहेगी। साथ ही आपको बताएं कि निजी जीवन आपका रिश्ता थोड़ा चट्टान भरी और थोड़ा अधिक स्थित महसूस कर सकता है, लेकिन यह केवल अस्थायी रूप से कल पहले से बेहतर होगा। एक कन्या आपको इस राशि का जीत हासिल करने में आपके लिए मदद करेगी। साथ ही आपको बताएं, यदि आज आप यात्रा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप जिस देश में जा रहे हैं वहां की बोली जाने वाली भाषा में कुछ सामान्य वाक्यांश आपको सीखने चाहिए। साथ ही आपको बताएं, आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर होने और अपने वित्तीय भरोसे करने का है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो यह सही समय नहीं लगता है। साथ ही आपको बताएं कि इस राशि में धन लाभ होने के आज का दिन अच्छा है। रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। नए निवेश के लिए यह समय आपके पक्ष में रहेगा। आपके पिता को कई अवसर मिलेंगे जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। बच्चों की तरफ से अच्छी खबर की उम्मीद है। वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने से आपको अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको बताएं, प्यार और रोमांस के जरिए आप इस तनाव भरे जीवन से निजात पा सकते हैं। एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। ऐसा करने से आप दोनों के प्रेम जीवन में प्रेम बढ़ेगा और आज आप आपस में नजदीक आएंगे। पेट में दर्द या जलन की शिकायत रह सकती है। सड़क किनारे मिलने वाले आप तेली पदार्थ से परहेज करें, व आपको ये चीजें नहीं खानी चाहिए। साथ ही आपको बताएं कि कुछ छात्रों को प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि अकादमिक स्थानों में प्रवेश मिलेगा। सितारों की चाल कहती है कि रचनात्मक क्षेत्रों के कार्य कर रहे पेशेवर लोगों के लिए समय अनुकूल है। साथ ही साथ आपको बताएं, धन संबंधी मामलों में किसी पर भी भरोसा ना करें। साझेदारी के कामों में नुकसान भी रह सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं, आज अपनी वित्तीय योजनाओं पर ज्यादा समय लगाएं। समय अनुकूल है, आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। मन मुताबिक तरीके से कार्य बनते जाने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता रहेगी, शांतिपूर्वक तरीके से समस्या का हल निकलेगा। परंतु आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ना लें, वरना आप किसी दुविधा में भी बुरी तरह से फंस सकते हैं। फालतू के कार्यों में खर्चों की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों की गतिविधियों पर ज्यादा रोक टोक ना करें, इससे घर का वातावरण मधुर बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित रखें। इस समय कोई भी नया काम या योजना कामयाब नहीं होगी। मेहनत ज्यादा और कम नतीजे जैसी स्थिति बनी रहेगी। नौकरी में आपको मन मुताबिक कारोबार मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ परिवार में हास्य प्रयास खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक वातावरण आज सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों में आज प्रवणता आएगी, पर रोमांटिक माहौल रहेगा। निकट संबंधियों के यहाँ आप किसी कार्य की वजह से जा सकते हैं। काफी समय बाद घर से निकलना व लोगों से मिलना जुलना आप में काफी खुशी व स्फूर्ति प्रदान करेगा। पारिवारिक वातावरण में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन आपके आपसे निजी मामलों में थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है। लेकिन आप व्यर्थ की चिंता ना करें, इससे आपकी सेहत पर फर्क पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि घर के सभी सदस्य एक दूसरे के समय व्यतीत करेंगे। बाहरी संबंधों से सावधान होशियार रहें, इनसे आपको मान सम्मान व हानि होने की संभावना है। परिवार के व्यक्ति आपसे कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे, क्योंकि काम के चलते व्यस्त रहने से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए आप उनके लिए समय जरूर निकालें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आपका कोई मित्र आपको उच्च स्तर की शारीरिक व्यायाम प्रणाली को अपनाने के प्रेरित करेगा, तो आप सुनिश्चित करें कि आपका आहार पौष्टिक और प्राकृतिक हो। अधिक मात्रा में ना खाएं और आप नशीले पदार्थों से दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।
दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।